आप लोगों ने इस दुनिया में कई सारी दर्दनाक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हाथी की दर्दनाक कहानी सुनाने वाले हैं। इसे सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यह कहानी वाकई में दिल को दहला देगी। आज हम आपको राजू नाम के ऐसे हाथी के बारे में बताएंगे जिसके जीवन में बचपन से ही दर्द और तकलीफ लिखी हुई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाथी एक सोशलाइज्ड जानवर है जो बाकी हाथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, पर माना जाता है कि हाथी काफी ज्यादा समझदार होते हैं। इस बात का नमूना आपको कई सारी पोस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कोई हाथी पेंटिंग करता है तो कोई इंसानों के साथ खेलने लगता है। इनकी समझदारी से हम इंसान बहुत अच्छे से वाकिफ है, पर एक चीज है जिससे हम वाकिफ नहीं है, और वह है इंसानों से। जी हाँ, हम इंसान ऐसे जीवित प्राणी हैं जिनमें अकल तो सबसे ज्यादा है, लेकिन दरिंदगी उससे भी ज्यादा है। पर इंसान दरिंदगी की किस हद तक जा सकता है, इसका उदाहरण तो आप आजकल तो दुनिया में देख रहे हैं, जैसे कि इंसान जानवरों से भी बदतर हो चला जा रहा है। और यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि दोस्तों, जिस हाथी की कहानी हम बताने जा रहे हैं उसका नाम राजू है। इसका जन्म पता नहीं कहां हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही इसे चोरी कर लिया गया। चोरी करने के बाद दूसरे जगह भेज दिया गया, लेकिन इसे कई जगह पर खरीदा और बेचा गया, जिस वजह से यह किसी एक जगह पर कभी रह ही नहीं पाया, जहां हर कोई फायदे और नुकसान के तराजू में तोल कर देता था, जिस वजह से राजू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। बिजनौर से बिजनौर खरीदे जाने के बाद अंत में राजू उत्तर प्रदेश के एक मालिक के पास आया। जब राजू के इसके मालिक ने खरीदा था तो राजू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत कमजोर हो गया था। इसी वजह से इसे मालिक ने राजू को बहुत ही कम पैसों में खरीद लिया, और इनसे राजू की किस्मत और ज्यादा खराब हो गई। इसका ही मालिक नशे में आता और राजू को मारने लगता। राजू एक बेजुबान जानवर होने के नाते राजू अपने मालिक को कुछ भी नहीं कह पाता था, जो कि राजू पहले से ही बहुत कमजोर था, और उसका मालिक उसे मारने के साथ साथ ना ही ठीक से आहार देता ना उसे सही से रखता, जिस वजह से राजू की हालत और ज्यादा खराब हो गई, और तो मजबूरन अपने मालिक की मार सहनी पड़ती थी। हालांकि राजू का मालिक सिर्फ उसे मारता ही नहीं था, बल्कि उसे पैसे भी कमाता था। राजू को भीड़ वाली जगह पर ले जाता ताकि लोग उसे देखकर चंद पैसे दे दें, उसके रात के नशे का इंतजाम हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और राजू इलाके में काफी ज्यादा फेमस हो गया, जहां लोग राजू से काफी ज्यादा आकर्षित होकर उसकी सवारी करते हैं, दिल खोलकर पैसे लुटाते, जिस वजह से राजू के मालिक की आमदनी बढ़ती गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी राजू को मालिक की आमदनी बढ़ती गई लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी राजू को कुछ नहीं मिलता, ना ही अपने मालिक का प्यार, नहीं ठीक से खाना। इसी वजह से राजू की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। राजू का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, लेकिन दिन भर काम करने की वजह से राजू और बीमार हो गया। और दोस्तों, ये सब देखने के बाद उसके मालिक का दिल नहीं पिघला और उसे राजू पर जरा सा भी दया नहीं आई। उसने राजू को घर के पीछे लोहे की मोटी जंजीर से बांधकर अकेला छोड़ दिया था, तो राजू इसी तरह कई सालों तक बंधक बना रहा और दिन भर में एक बार थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। मालिक ने उसे ठीक से खाना दिया नहीं था, तो अब उसके बीमार होने के बाद उसने राजू पर और ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। उल्टा जब भी वह नशा करके घर लौटता तो बिना वजह राजू को मारने लगता।